हेलो एवरीवन सो वेलकम टू आवर इकोनॉमिक्स क्लास लेक्चर नंबर एट लास्ट क्लास में हम अपना टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंटिन्यू कर रहे थे बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ हम उसे आगे कंप्लीट uh, नहीं कर पाए थे इस क्लास में हम उसको आगे फर्दर उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन फर्दर मूव करेंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं यस yes. सो इन लास्ट क्लास आई एम टेलिंग यू अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी ये टॉपिक हो हो गया था एंड एंड में बट कंप्लीटली पूरा नहीं हो पाया था सो अगेन आई विल एक्सप्लेन वाइल्ड इंडिविजुअल अगर स्मॉल स्केल है अगर हमारा इंडस्ट जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल का है तो सभी का कंट्रीब्यूशन जब होता है जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसिस में डील कर रहे हैं उन सभी के कंट्रीब्यूशन से हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं फास्टर ग्रोथ होती है एंड कलेक्टिव आउटपुट ऑफ वेरियस स्मॉल इंटरप्राइजेस सब्सटेंशियली इम्पैक्ट करता है किस हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन में होता यह है कि जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये केटर करेंगे किसके नीड्स को निच मार्केट uh, जब इनिशियली तो जब इनका बिजनेस स्टार्ट होगा तो ये मेचोरिटी uh, के फेस में होंगे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे जैसे ही ये एक्सपैंड होते जाएंगे तो निच मार्केट को केटर करेंगे क्योंकि अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक आइडेंटिटी ले आकर या फिर करेक्टरिस्टिक्स ले आकर और इवोल्यूशन करते रहेंगे और दिस स्पेशलाइजेशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री और इससे होगा क्या कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा एंड हमें फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का भी कंट्री को बेनिफिट मिलेगा सो so होगा क्या कि इससे एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा हमारी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो बाहर के कंट्रीज़ में भी हम क्या कर सकेंगे सेल कर सकेंगे नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब ग्रो करेगा धीरे धीरे सो व्हाट हैपेंस कि इनकम डिस्पैरिटीज़ कम होंगी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों को एंड इनकम जनरेटिंग डाइवर्स रीजन एस एस आई हेल्प इन रिड्यूसिंग द इनकम डिस्पैरिटी दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन सोसाइटी सो जितना जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जितना इनकम डिस्पैरिटीज़ कम होंगी उतना ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सकेगा सोसाइटी में स्किल डेवलपमेंट सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स में अमंग द वर्क फोर्स इंप्लॉयज जो होंगे इस एरियाज में वो इंगेज होंगे मल्टीपल रोल्स में गेनिंग डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेज जो कि वैल्यूबल होगा फॉर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए यह भी कैटलिस्ट होता है सो मैनी इंडस्ट्रीज ऑफन स्टार्टेड अ स्मॉल स्केल इंटरप्राइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड टू इंटरप्रीनर्स इन इनोवेशन एंड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अगर हमने समरी अगर हम देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे पाइवोटल रोल इन फोस्टरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोटिंग एंटरप्रनियरशिप कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे आर सिग्निफिकेंस बियॉन्ड दे मोर इकोनॉमिक फैक्टर्स एज दे ऑफन सर्व द इंजन टू इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू दरऑल शोशियो इकोनॉमिक वेलफीर ऑफ द नेशन सो ये सभी चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलेगा जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या होंगे डेवलप होने लगेंगे ओके सो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या है इंटरनेशनल ट्रेड इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड सो व्हाट व्हाट हैपेंस ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन आल्सो प्ले अ रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल दो देयर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एस नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है किन मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी वो ऑफर करेंगे सो हेयर आर सम वेज इन विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले एक्सपोर्टिंग निच प्रोडक्ट निच प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना सो मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग निच और यूनिक प्रोडक्ट दैट दे मे हैव अ मार्केट डिमांड बियड देअर डोमेस्टिक बॉर्डर्स कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनमें कोई यूनिक क्वालिटी है और उनकी डिमांड हमारे इकोनॉमिक बॉर्डर में ही नहीं बाहर भी कंट्रीज में है दीज निच प्रोडक्ट्स कैन फाइंड कस्टमर इन अदर कंट्रीज इससे होगा क्या कि हमारे बाहर कंट्रीज में भी कस्टमर्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो बनते रहेंगे लीडिंग टू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल बिजनेस सेकेंड इज सप्लाई ग्लोबल सप्लाई चेन सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिकम द पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन सर्विंग एज अ सप्लाई टू द लार्जर कंपनी गेस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड दिस इज कैन बी स्पेशली कॉमन इन इंडस्ट्री वर स्पेशलाइजेशन या फिर कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होता है तो इसमें होता क्या कि ग्लोबल सप्लाई चेन अब देखा जाए तो डिमांड नॉट विद इन द कंट्री बाउंड्री बट आउटसाइड द बाउंड्रीज भी है इंटरनेशनल मार्केट में सो so इससे होगा कि हमारा ट्रेड प्रमोट होगा और तो और हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा एंड थर्ड पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज का भी बेनिफिट मिलेगा ई e कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब आपने देखा है कि आजकल के टाइम पे अगर हम अभी की बात करें सो मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन एवरी इवन आई सेन आई कैन से नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल यूज़ ऑनलाइन ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फॉर मार्केटिंग वाई बिकॉज ये जो एक ऐसा uh, कह सकते हैं कि ऐसा एडवांटेज है लोगों के लिए जिससे कि वो अपने होम में घर पर बैठे हुए सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स बाई क्लिकिंग देयर डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स तो होता क्या है कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी ईजियर एक्सेस कर रही है इंटरनेशनल मार्केट को क्या कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे कि इसके एग्जांपल है अमेज़ोन ई बेग स्मॉल बिजनेसिस कैन रीच द ग्लोबल मार्केट बेस विदाउट द नीड फॉर द एक्सटेंसिव फिजिकल प्रेजेंस इन फॉरिन कंट्रीज अब अमेजोन ने स्टार्टिंग स्टेजेस में अपना जो उसका बिजनेस था वो बुक सेलिंग का था अमेजोन इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स बुक सेलिंग बिजनेस ठीक है ऑनलाइन बुक सेलिंग बिजनेस बट सब्सिक्वेंटली होता क्या क्या कि धीरे धीरे जैसे ही उसका बिजनेस एक्सपैंड होता गया वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और आज के टाइम पे अमेजोन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम में डील कर रहा है वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एसेसरीज और क्लोदिंग प्रोडक्ट्स और यू कैन से फूड आइटम्स और कंज्यूमेबल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर आर सो मैनी थिंग्स सो so, इस तरीके से बिजनेस जो है वो ग्रो करता जा रहा है कोलाबरेटिव एंड पार्टनर कोलाब्रेशन एंड पार्टनरशिप तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोलाबरेट करती इंटरनेशनल पार्टनर से एक्सपेंड करने के लिए अपने मार्केट रिच को जब वो जब बाहर की कोई कंट्रीज है जैसे हीरो एंड होंडा मारुति सुजुकी की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी ऑफ जापान दोनों ने कोलाब्रेशन किया और दे स्टार्टेड मेकिंग कार सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि दोनों कंपनीज uh, अब uh, एक कोलैबोरेट हुई उन्होंने एक नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया कुछ उसने कंट्रीब्यूशन किया कुछ uh, दूसरे वाले ने और इससे उनके देखा जाए तो एक तरीके से रिस्क शेयर हो सका और मार्केट रिच भी एक्सपैंड हुई सो दिस कुड इन्वॉल्व फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर एंट्रिंग इनटू न्यू जॉइंट वेंचर स्टेब्लिशिंग फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस इन अदर कंट्री पार्टिसिपेशन इन ट्रेड एग्ज़िबिशन सो स्मॉल बिज़नेस ऑफन पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में छोटे छोटे बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिबिशंस में फेयर्स टू शो किस दियर प्रोडक्ट एड टू अर ग्लोबल ऑडियंस सो दिस अलाउज देम टू कनेक्ट विद पोटेंशियल बाय डिस्ट्रीब्यूटर एंड पार्टनर्स फ्राम डिफरेंट कंट्री आई एम गिविंग एग्जाम्पल हरियाणा में फ़रीदाबाद सिटी में एक इंटरनेशनल फेयर ट्रेड फेयर लगता है एवरी ईयर और वो लगता है मेनली फॉर सेम इसी ट्रेड uh, एग्जिबिशन जिसको कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से पीपल पार्टिसिपेट काफ़ी कॉस्टली होता है एंड अराउंड टिकट भी उसकी टू हंड्रेड पर पर्सन होती है सो so, उसमें होता क्या है कि लोग हैंडमेड गुड्स हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स शो करते हैं वहाँ पे यस प्राइसेस ऑब्वियसली हाई होते हैं बिकॉज उनको आने जाने का देन उसके बाद वहाँ पे रह के सेल करने का एंड देन जितने टाइम वो वहाँ रहते हैं उसका भी uh, उस जगह पे वो लगाते हैं अपना पूरा सेटअप करते हैं उसका भी उन्हें जो है रेंट देना पड़ता है तो यस इट इज़ देयर प्रोडक्ट आर बिट कॉस्टली बट होता क्या है कि बहुत ही क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट होते हैं और इवन जो कंज्यूमर जाता है मेनली देखा जाए तो ये फेयर उन लोगों के लिए है जो थोड़े से कह सकते हैं मतलब बहुत ही मिडिल क्लास नहीं थोड़े अपर क्लास लोगों के लिए है तो ऐसे मार्केट को टारगेट किया जाता है यहाँ पे तो जैसे कंज्यूमर जाता है उसे देखता है इफ़ ही और शी लाइक्स तो ई कैन इट ऑन दी अदर हैंड सिर्फ ख़रीदना ही नहीं उसके साथ होता ये कि वो अपना जो है क्योंकि वो वहाँ उस स्ट्रीट फेयर में एज एग्जीबिशन दिखाने अपने प्रोडक्ट को आते हैं वो रेफरेंस देते हैं कि हमारा इस जगह पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा प्रॉपर शॉप है सो so, आप वहाँ विजिट करिए यू विल केम टू नो मोर बेटर प्रोडक्ट्स जो हम अभी दिखा रहे हैं अवेलेबल राइट ना उससे भी अच्छे दिखाएंगे सो दिस इज़ वर्ट ये क्या है ये यही चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट को एज एग्जिबिशन में जब शो करते हैं तो ग्लोबली हर कोई देखता है जितने ऑडियंस है सब देखते हैं और आप कनेक्ट कर पाते हैं पोटेंशियल बायर से डिस्ट्रीब्यूटर से और पार्टनर से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इट माइट हैपन कि जो यहाँ पर ट्रेड फेयर में एग्जीबिशन के लिए आते हैं वो किसी और कंट्री में भी जाते हूँ तो ये कैसे हो रहा है बाय नेटवर्क तो नेटवर्क इज समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन बिजनेसिस नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सपोर्ट सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ कैन इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिस इज़ वेरी ट्रू गवर्नमेंट जितने हेल्प करेगी जितना गवर्नमेंट हेल्प करेगी इन बिजनेसिस को बाय प्रोवाइडिंग दम रिसोर्स ग्रांटिंग लोन्स या ऑन ईजी टर्म्स या फिर सब्सिडाइज रेट पर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना उतना ही इनका क्या होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा इनकी पोटेंशियल बढ़ेगी सो सपोर्टिव पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट की रहेगी सब्सिडीज़ देती रहेगी इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट इनकरेज करता है स्मॉल बिजनेस को वो एक्सप्लोर करें एंड एंगेज करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा किस में इंटरनेशनल मार्केट्स में सो अगेन इकोनॉमिक जोन्स एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इसमें होता क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी लोकेटेड हैं इकोनॉमिक जोन्स में या फिर रीजन्स कवर्ड बाई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वो ईजियर फाइंड करते हैं इंगेज करने में इंटरनेशनल ट्रेड में रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स बैरियर्सस्स टू दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विल फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अडाप्टन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड अडेप्टन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड सो दिस में इसमें होता है ये कि पार्टिसिपेट जब करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में तो दे ऑफन नीड टू एधियर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन उन्हें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि उनके कंट्री के रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए सच क्वालिटी सर्टिफिकेशन कैन एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस तो देखा जाए तो इनकी एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस एक गुडविल इन्हांस होती है इन फ्रंट ऑफ ऑल द इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल पार्लेंस में अगर हम बात करें तो फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एडवांसमेंट सो एड एडवांस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करता है ईजियर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो इंगेज इंटरनेशनल ट्रेड में ये इंक्लूड करता है ऑनलाइन कोलेब्रेशन टूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन ओके दिस इज ऑल डन क्रॉस बॉडर ई कॉमर्स मतलब जैसे ही ग्रोथ होता जाएगा क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर इन अदर कंट्री अगर हम हमारा जितना एक्सपेंशन होगा बिजनेस का उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर से कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे दिस डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच कैन फैसिलिटेटेड थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस से हो सकता है अन इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज से भी हो सकता है सो वाइल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज़ मैनी चैलेंजेस येस हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास देर आर सो मैनी चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केट देयर एग एजाइलिटी निच स्पेशलाइजेशन, अडेप्टबिलिटी होना चाहिए हर एडवाटेजेस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनलाइजेशन कैन इन्हांस दी अबिलिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एन ग्लोबल ट्रेड तो गवर्नमेंट का सपोर्ट टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ले आना यानी कि चेंजेस ले आना अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और स्ट्रैटेजिक अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बिज़नेस को ऐसा नहीं कि उसने टेक्नोलॉजी ले ली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया बस फिर वो कैसे भी मूव ऑन करता रहेगा नो बिज़नेस शुड बी स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर ऑल इट्स प्लान उसके अपकमिंग uh, प्लान्स को उसको स्ट्रैटेजिकली एंड इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उसको अपने एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप आगे कंटिन्यू करना है फॉर अचीविंग इट्स विजन उस अकॉर्डिंगली उसे वर्क करना है एंड इससे होगा क्या कि वो इफेक्टिवली ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन हो सके सो विद विद दिस टॉपिक आई विल एंड दिस क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटी सिर्फ एक क्लास लगेगी और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली और दिस चैप्टर ऑल्सो विल एंडेड सो ओके स्टूडेंट्स विल मीट यू नेक्स्ट क्लास